हमीरपुर जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राठ कोतवाली के अंतर्गत उरई रोड नहर बाईपास के किनारे फार्म हाउस में रह रहे एक अधेड़ का संदिग्ध परिस्थितियों में धारदार हथियार से गला रेता हुआ शव बरामद हुआ है। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार शुक्ला ने मौका मुआयना किया। मोहाल बधौलियाना निवासी मैयदीन कुशवाहा पुत्र खजिया अपने फार्म हाउस पर था, तभी सोमवार को शाम उसकी पत्नी ने देखा कि उसके पति का गला रेता हुआ शव पड़ा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो आपको हम हमीरपुर जनपद से ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि जहां पर राठ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत उरई रोड नहर बाईपास के किनारे फार्म हाउस में रह रहे एक अधेड़ का संदिग्ध परिस्थितियों में धारदार हथियार से गला रेता हुआ शव बरामद हुआ है। तो हमीरपुर में यहां पर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में धारदार हथियार से गला रेता हुआ शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये हम आपको हमीरपुर जनपद से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर राठ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नहर बाईपास के किनारे संदिग्ध परिस्थिति शव मिला है। आपका कृष्ण कुमार, क्या घटना घट गई आपके साथ? मेरे पिताजी का कत्ल कर दिया गया है। आप उस वक्त कहाँ थे? मैं शादी में गया था कुलपाड़। अच्छा, घर पे कौन कौन था? घर पे बहू थी, घर पे पिताजी बगे थी ना। और आपकी माँ? माँ मार्केट गई थी सब्जी बेचने। नहीं तो आप लोगों ने कब देखा उनको और किस हालत में देखा? मम्मी गई होंगी मार्केट से वही 8:30 बजे के बाद, तो मतलब मेरा खड़े थी। फिर मुझे सूचना मिली, तब मैं कुलपाड़ से वापस आया, वही 11 बजे 11:30 बजे लगभग। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। क्या घटना हो गई? क्या बताऊँ मैं, कैसे बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा। क्या हो गया? जब मैं बाजार से आई थी सब बता दो कहाँ है। मैं बाजार से आई तो मैंने टटवा खोलो, टटवा खोल के अंदर आई तो छिनियन काम आए, पापा पड़े थे ऐसी उस उल्टे, सो हमने आवाज लगाई, हमने कही पापा पापा, तो कुछ नहीं बोले। फिर हमने डलिया अपनी यहाँ रखी, रख के हम गए तो हमने उठाया तो हमारे घाटी में हाथ लगाया तो घाव है था, वो खून में हमारा हाथ छप गया। अब बस फिर हम रोने लगे, हम लाइट ले गए, हमने लाइट से देखे तो ब्रेट ही ब्रेट बहुत दूर थे। कौन थे आपके पति थे? हाँ। क्या है, किसने किया होगा? आप किसी पे क्या बता दें, हम तो हमने जब देखा ही नहीं है, जब हमारे जब खत्म ही है थे। क्या किसी से कोई बुराई थी, रंजिश थी? हमें तो नहीं अपनी समझ में आती कि रंजिश थी हमारी। अच्छा, झगड़ा हुआ था किसी से? ना किसी से हमारा झगड़ा हुआ। पुलिस कितनी देर बाद आई? बस अब कुछ देर बाद आई, भैया ने फोन करा, एक हमारे थे बड़ा ही भैया रहा। अच्छा, उसी ने फोन किया था। हमीरपुर से UP24 न्यूज के लिए जिला संवाददाता जयशंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट।